भाई इतना तकलीफ है तो पाकिस्तान चला जा। मैंने उसको बोला देख मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे, ये प्लान करना पड़ता है। लड़के लोग का ये नहीं है, हम तो घर के नीचे खड़े रहेंगे, बोले लौड़े नीचे उतर रहे क्या। नवरात्रि में ना गुजरात में मुस्लिमों को मार के भगा रहे थे गरबा में से, कि नवरात्रि में मार रहे थे कि तुम काय को आए अंदर भागो मारो। इंटरनेट पे थोड़ा वो भी चल गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ह्यूमन राइट नहीं है। बोरिंग है। मैं कुछ मौलाना लोग का कमेंट पढ़ा, मजा ही आ गया। मौलाना लोग लिख रहे मारो और मारो। और मारो, नमाज पढ़ने नहीं आता, गरबा खेलने। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नोडक साथ रजवीर डोनाली भाई मुनावर भाई की न्यू स्टैंड अप कॉमेडी आ चुकी है जिसका टाइटल है केला। देखते हैं भाई इसके अंदर होने क्या वाला है भाई, मतलब टाइटल ही इतना डेंजर है, तो देखते हैं वीडियो के एंड में क्या क्या मिलता है हमें देखने को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लो। क्लैपिंग फॉर योर नेक्स्ट एक्ट फॉर द इवनिंग, गिव इट अप फॉर मुनावर फारूकी एवरीवन। हे हाय, कैसे हो सब लोग? हाँ हाय, हो गया मोबाइल तुम लोग का रिकॉर्डिंग हो गया, एंट्री मिल गया, इंस्टाग्राम वैलिडेशन। हाँ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बस अभी रख दो मोबाइल। बढ़िया, मेरे जोक मेरी इजाज़त के बिना बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैं और एक बार अंदर नहीं जाना चाहता। मेरा शो कैंसिल हो गया। ग्रेट। तो मैंने देखो फाइनली सोच लिया कि यार ठीक है अपन इंटरनेशनल शोज करेंगे, इंडिया में बहुत परफॉर्म कर लिया, इंटरनेशनल शो करेंगे। मैं गया पासपोर्ट लेने, पासपोर्ट ही नहीं दिए। मैं बोला ठीक है, अब पासपोर्ट भी नहीं दे रहे, तो मैं सोचा अभी मैं परफॉर्म अगर इंटरनेशनली कहीं कर सकता हूँ तो वो है नेपाल। क्योंकि इंडिया में नहीं आता, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, बोला सॉर्टेड है। लेकिन अभी नेपाल, देखो नेपाल सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या दिमाग में आया सर, मैम क्या है नेपाल सुन के आपके दिमाग में सबसे पहली चीज सर? आप माउंट एवरेस्ट, यस। और कोई? माउंट एवरेस्ट, अर्थक्वेक, ओके, मोमोस। तुम सब झूठ बोल रहे हो, सबके दिमाग में वॉचमैन आया, ठीक है ना? क्या लोग चूतिया बना रहे, मेरे को ऐसा वोक बन रहे हो? नहीं, ये सब ये नहीं चलेगा इधर। मैं भी एक शो पे था, वहां पे मैंने इसको एक बोल दिया कि मेरी काम वाली बहुत लेट आती है, तो मेरे को बोले ए लिसन काम वाली नहीं बोलते, इट्स ऑफेंसिव, हाउस हेल्प बोला करो। मेरी काम वाली खुद को काम वाली बोलती है। मैं थोड़ा सीख गया, और एक बार उसका फोन आया तो मैं बोला तू काम वाली नहीं है। बोले नहीं साहब मैं काम वाली हूं। वो डर गए कि साहब जॉब से निकाल दिए। मैं इज्जत दे रहा था, फोन कट कर दी गाली दे के। सबके दिमाग में वॉचमैन आया, राइट? अब मैं नेपाल में जाके क्या जोक मारूं? क्या आप लोगों को पता है नेपाल में चोरी क्यों नहीं होती? सभी लोग वॉच में, देखो ये पुराना जोक है, हम लोग बचपन से सुनते आए, एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो मैं जाके बोलूंगा नेपाल में पता है चोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि जब चोर चोरी करने आता है तो उसको पता नहीं चलता कि मालिक सो रहा है या जाग रहा है। ओके। ये जोक के बाद मैं नेपाल में भी परफॉर्म नहीं कर सकता। हो गया यार, इंडिया बहुत ऑफेंसिव हो गया, ठीक है। और हम लोग बुली भी बहुत हो गए, इंटरनेट पर कुछ भी चलता है। मेरा दोस्त मेरे पास आया और मेरे को बोलता भाई ये गोल्ड डिगर जो लड़कियां रहती है उनको उनके हस्बैंड एलवी के बेल्ट से मारेंगे, चलेगा क्या? वो लोग जाके ऐसे दिखाएंगे अपनी सहेली को कि सी माई न्यू एलवी मार्क। ऐसे सवाल पूछता है
बहुत अजीब है, किशन नाम है उसका, किशन बचपन का दोस्त है। तो है बच्चों, थोड़े दिन पहले मेरे पास आया और मेरे को बोलता है, भाई अगर ऑरेंज बिकिनी की जगह दीपिका ने ग्रीन बिकिनी पहना होता अरे भाई तो तेरे को भी मिर्ची लगता तेरे को भी प्रॉब्लम होता। बोला देख तुझे लग रहा है, तेरी बात में पॉइंट है, ठीक है, बट मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे को नहीं पढ़ना इन सब चीजों में, और मैं इतना प्रोग्रेसिव तो हूं कि मैं इन सब चीजों में पढ़ता भी नहीं हूं कि ये मत पहनो वो मत पहनो, जो पहनना है पहनो, बस ऊपर बुरखा पहनो। यार ये एक ऐसा बंदा है जो मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने स्टैंड अप कॉमेडी में रख देता है, जो कि इस टाइम आई थिंक सबसे फेमस यही है यार, मुनावर फारूकी अपना भाई स्टैंड अप कॉमेडी में सबसे ज़्यादा इसी का उदम है। और मतलब यार ऐसी बात है, हाल कंट्रोवर्सी वाली बात है, अपने स्टैंड अप कॉमेडी में इस तरीके से रख देता है ना कॉमेडी लगे और इंसान दिल पे भी नहीं ले भाई, दिल पे ले। खतरनाक इंडिया बहुत ऑफेंसिव हो गया। देखा ये मजा है ना जोक का, आपको एक्सपेक्टेड नहीं था नहीं था, ऑफेंसिव हो गया। और इंटरनेट तो बहुत फनी है, इंटरनेट से फनी कुछ नहीं है। अभी पता है नवरात्रि में ना गुजरात में मुस्लिमों को मार के भगा रहे थे गरबा में से, कि नवरात्रि में मार रहे थे कि तुम काहे को आए अंदर, भागो मारो। इंटरनेट पे थोड़ा वो भी चल गया, कैसे नहीं करना चाहिए, ह्यूमन राइट बोरिंग है। मैं कुछ मौलाना लोग का कमेंट पढ़ा, मजा ही आ गया। मौलाना लोग लिख रहे मारो और मारो और मारो, नमाज पढ़ने नहीं आता गरबा खेलने जाना। क्या हो गया? ये अच्छा है, रिस्पेक्ट आर्ट। फोन ही कट कर दिया। इससे पहले वाले शो में हुआ, वो लड़की ने फोन कट कर दिया, मैं बोला या मैम रिस्पेक्ट आर्ट की, बोले चूतिया कंपनी का फोन है। बोला आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है आपको। ऐसे होता है, लड़के लोग तो लौंडे बहुत क्विक रहते हैं। अभी देखो लड़के ने खट से ऐसे करके बंद ही कर दिया। तो एक शो में हुआ, उसने बंद किया, हुआ ही नहीं। बाजू वाला बोले बोले भाई वो फोन नहीं है जो तूने दबाया है। किलर यार, इंटरनेट बहुत फनी चीज है। मुझे इंटरनेट से एक चीज पता चली अभी फिलहाल, गैलेंटाइंस डे होता है। गैलेंटाइन एग्जैक्टली, मैं भी क्या गैलेंटाइंस डे, फिर मैंने और पता किया, आपको पता है राइट मैम, आप बताएंगी गैलेंटाइंस डे क्या होता है? वैलेंटाइंस फॉर द गर्ल्स, बिटवीन द गर्ल्स, गर्लफ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। डिटेल में बताता हूँ। दो तीन लौंडे पीछे उनको पता नहीं है, वो बोले वो सब रख तो तेरी कैंची जेब में रख। गैलेंटाइंस डे 13 फरवरी को आता है, उसमें लड़कियां जो होती है वो सारी फ्रेंड्स, आपको पता है मैम राइट, तुम लगती हो गैलेंटाइंस डे वाली कि इसमें सारी लड़कियां जो होती है वो आपस में डिसाइड करती है फ्रेंड्स कि हम मिलेंगे और साथ में बैठ के चिल करेंगे राइट, ये प्लान करना पड़ता है। लड़के लोग का ये नहीं है, हम तो घर के नीचे खड़े रहेंगे, बोले लौड़े नीचे उतर रहे क्या? सही बात, सही बात। लड़के प्लान नहीं करते ये सब, और लड़की इतनी क्यूट है, लड़के इतना अच्छा नाम दे रखा है, और ये भी दिन भी आता है वैलेंटाइन से एक दिन पहले कि सब लड़कियां मिली और बैठेगी और बोलेगी देख ये सारे लड़के कल ये सारे प्रपोज करने वाले, जल्दी से बता इसमें से किसी एक को रिजेक्ट करने गए। लड़कियां अच्छी है, लड़के गलत है। लड़कों ने आप लड़कों ने केले का नाम खराब कर दिया। केला पता है क्या होता है? बैड पॉइंट मैम, केला क्या होता है?
केला बनाना होता है, वाह, काय में बनाना होता है, पतेली में, केला फ्रूट है, राइट, केला फ्रूट है, केला फ्रूट रहने कहाँ दिया लॉन्डो ने, अच्छा फ्रूट है, ठीक है, नॉर्मल, भाई, केला फ्रूट है, ठीक है, केला खाओगे? ये लड़कों ने भाई केला परेशान है कि बंदरों के हाथ में सही था, इतना अच्छा फ्रूट है केला, अब केला केला नहीं रहा, कोई खा नहीं सकता पब्लिकली, तुम केला खा सकते हो, कोई खा सकता है पब्लिकली केला, कोई नहीं खा सकता, कोई डिसएग्री करता है कि केले का नाम खराब हो गया, अगर आप अगर आप में से कोई है भी जो डिसएग्री करता है उसको ये केला खाना पड़ेगा, ये प्रूफ करने के लिए कि भाई ऑफेंसिव नहीं है केला खाना, यस गिव इट अप फॉर हिम, और एक है किसी का मन हो जाए उसको देख के, आप सीरियस भी हो जाओ ना, अभी आप जिम जा रहे हो, आप बोलोगे ना मैं बहुत जिम जाता हूँ और बहुत केले खाता हूँ, आपका फ्रेंड आपको बस ऐसे देखेगा, लड़कों ने केला खराब कर दिया, केला नॉर्मल नहीं रहने दिया, केले को इतना बदनाम कर रखा है, इतना सुख तो केले ने देखा तक नहीं जितना ककड़ी ने देखा है भाई। बराबर ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गर्लफ्रेंड हंस रही है, बॉयफ्रेंड सोच रहा है क्यों हंस रही है, सही लिए ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो नहीं हो फिर ठीक है, हाँ खराब कर दिया, और जेन जी ने ना देखो अभी पैसा जाया ना थोड़ा थोड़ा नया नया, तो पता चला पीच नाम का एक फ्रूट आता है पीच, ये जेन जी ने खराब कर दिया, व्हाट्सएप पे गांड बोलते उसको उसके लिए यूज करते भाई, नहीं रखी इन्होंने कोई चीज सेम नहीं रखी, सारी चीजें चेंज कर दी, आई हेट इट, बैंगन खराब कर दिया बैंगन खराब कर, वो तीन ड्रॉप लगा देते ये खराब कर रखा है, लॉन्डो ने सब चीज खराब कर रखी, इनको इसलिए पसंद ही नहीं है, मतलब केला नहीं लॉन्डे, मतलब लड़के पसंद नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइक एंटी होमोफोबिक, ऐसा नहीं, मैं होमोफोबिक नहीं हूँ बिल्कुल नहीं, मेरा एक दोस्त था वो गे था, मतलब था मतलब ऐसे नहीं कि अभी वो स्ट्रेट हो गया है, अभी दोस्त नहीं है अरे यार भाई क्या कर, मैंने ये जोक मेरी एक फ्रेंड को सुनाया, मैम आई ओके, तो ये ऐसे क्यों किया, हंसी बहुत आ रही है, तो हंसी रोक रही है तू क्या, बहुत हंस रही है तू, चुप अरे यार कंट्रोल क्यों कर रही हो, बॉयफ्रेंड नहीं है हंसी है, वेल प्लेड ब्रो, ऐसे क्यों किया ऐसे दुख दर्द हो रहा, जॉ दर्द हो रहा, अच्छा दैट्स अ गुड रिव्यू फॉर कॉमेडी शो राइट, दैट्स अ गुड रिव्यू, कल मैं परफॉर्म कर रहा था इधर, एक लड़की आई उसने फोटो खिंचाई, उसके बाद वो गई उसने इंस्टाग्राम पे डाला फोटो और कैप्शन में लिखा थैंक यू मुनव्वर फारूकी फॉर गिविंग मी अमेजिंग नाइट, क्या है यार मैंने देखा नहीं, मैंने रीशेयर कर दिया मेरे फॉलोअर भी हरामी है, वो सब रिप्लाई कर रहे भाई ऐसा क्या कर दिया अरे यार जाके आप ऐसे लिखना मत कि मुनोहर ने जॉ दुखा दिया गदर माहौल बहुत खराब हो गया इंडिया में, पॉलिटिकली बहुत खराब हो गया, आप देखो इंटरनेट पर किसी की भी सपोर्ट करो ना लोग गाली देते,
आईपीएल में आप मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ लिख दो, उनके फैंस आके गालियां देते। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में कुछ लिख दो, विराट कोहली खुद गाली देता। इंटरनेट पे माहौल ऐसा हो गया। मैंने थोड़े दिन पहले ऐसे ही लिख दिया कि यार गर्मी बहुत हो रहा है, तो एक ने रिप्लाई किया भाई इतना तकलीफ है तो पाकिस्तान चला जा। मैंने उसको बोला देख मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे जज साहब। जज साहब ने बोला देश छोड़ के मुनव्वर तू कहीं नहीं जाएगा। बोला मैं तो कहीं नहीं जा रहा, बट मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। मैं तो अभी मजाक में जोक में बोल दिया, बट जब भी मैं इंटरनेट पे इस तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ तो पाकिस्तानी है देश तेरा नहीं है, मुझे काफ़ी बुरा लगता है। और मैं कभी भी गाली नहीं देता किसी को इंटरनेट पर, मैं हमेशा आर्ग्यूमेंट करता हूँ इस चीज़ पर, बाकी नहीं करता कि तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला, ये देश मेरा है, ये सब चीज़ें। जैसे ही मैं आर्ग्यूमेंट जीतने वाला होता हूँ उसमें बीच में एक कॉमेंट आता है, लव फ्रॉम कराची। अभी नहीं चाहिए था लव, लव फ्रॉम ढाका। ढाका इंटरनेट है ये लोगों के पास। एक ले लिखा लव फ्रॉम नेपाल, उसने नेपाल की जगह निप्पल लिख दिया। उसकी कमेंट को 150 लाइक है। नेपाल को निप्पल लिख दिया। मैं बोला एटलीस्ट कमेंट तो आंख खोल के कर। भाई क्या कर रहे हैं, तो क्लिक बिट है इंडिया में। निप्पल लिख दिया भाई पागल हो गए। अभी मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था, ठीक है मैं भी दिखाता हूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो, हिंदी आती है हिंदी पढ़ने किसी को, आपको आती है? तुम सब आता है, केला भी तू खाना है, हिंदी मेरे को पढ़ना है, ठीक है ये पढ़ के जरा सुनो। सबसे ऊपर कुछ बड़ा करना है तो इसे सुनो। बड़ा सबको करना है भाई। तेरा मिलियन व्यूज ऐसे थोड़ी है। हमने भी लिख दिया कुछ बड़ा करना है तो भाई। मोटिवेशनल स्पीकर है, मैंने सुना ये बोल रहा है कि जिंदगी में दिमाग का इस्तेमाल करे बिना बस चलते रहो, तेजी से आगे बढ़ते रहो, सोचो समझो मत कुछ। 10 सेकंड के बाद बोलता है हमेशा रुक के सोच समझना बहुत जरूरी है। ये लंड तेरी खुद से नहीं बनती, मैं तेरी बात कैसा मान लूं। बट फिर भी मैंने अब नाउ आई डिसाइडेड कि यार नहीं होती कॉमेडी, अब से नहीं करनी है अपने को, करने नहीं दे रहे, करनी नहीं। तो मैंने सोचा मैं बेचूंगा मर्चेंडाइज, तो मैंने कॉल किया, बोले हाँ भाई वेरी गुड आइडिया, लेट्स मेक मर्चेंडाइज, विल ब्लो अप। लंड तेरे को टी शर्ट बनाने का है, कोई रॉकेट नहीं बनाने का है। बोला क्या बनता है, तो बोले भाई मग्स होता है वो बनता है, पेन होती है। तो मैं बोला हाँ, बोले मग्स का आपका क्रेजी आइडिया है, एल्यूमिनियम का मग रखेंगे जेल वाला। देखो कोई भी यहाँ पे ऐसे कोई भी जो आया जोक सुनना है, राइट, ये सब जोक है, कोई भी चीज पे ऑफेंस मत लो। सही बात है, यहाँ पे हो जाता है कभी कभी, एक कुछ तो पॉलिटिकल जोक था, लोग आ गए थे यहाँ पे तोड़म तोड़ी करने, ये तोड़ दिया था उनको, उनको लगा ये एच हुमायूं का है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हाँ ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हाँ तुम चालू ना, मैं भूल गया कौन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टार्ट क्लैपिंग। और नेक्स्ट है चिराग पंचवानी, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या हुआ? मैंने सुनी थी क्या बात हुई थी केले से। इनका भाई का अलग ही क्रेज रहता है यार, मतलब इतने
मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं रहते यार जब 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 इनकी मैंने वीडियो कोई ना कोई देखी है स्टैंड अप कॉमेडी। अब तो दो बार से हम न्यू देख रहे हैं तो आई होप आपको पसंद आई हो यार। इतने क्रेजी यार डायलॉग होते हैं ना यार, उसका कोई जवाब नहीं हो। और भाई हर उस टॉपिक पे बात करता है बंदा कि मतलब जो कॉन्ट्रोवर्सी पर कोई करना नहीं चाहता, सोचते हैं कि नहीं यार मैं उस लेवल पर हूँ, मेरा वो ख़राब नहीं हो जाए, ये ख़राब नहीं हो जाए। बट यार कॉमेडी में लेना चाहिए बंदे को, क्योंकि ये बहुत फ्रेंकली कॉमेडी करते हैं कि मतलब ये ज़्यादा नहीं सोचते कि ये मैं ऐसे बोल दूंगा वैसे, थोड़ा समझो एक अलग लेवल की कॉमेडी तो उसको उस तरीके से ही लोग वो एंड में बोल के भी गए भाई अफेंड वगैरह मत हुआ करो, वो तोत ताड़ के चलेगा। ये हुमायूं का है एक से एक गजब यार, वो केले का यार उन्होंने क्या से क्या बना दिया भाई। एक बार और देखूंगा वीडियो, क्योंकि 19 से 18 मिनट की ये वीडियो थी। आई होप मैं बहुत से डायलॉग भूल गया हूँ, बट यार ओवरऑल सारी क्लिप वो सॉरी सारे डायलॉग इतने गजब थे ना, एक एक पंच लाइन ऐसी लग रही थी कि हाँ भाई ये बंदा सिर्फ इसी पे जमता है, क्योंकि इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर हैं यार, मैं आज तक किसी की नहीं देखता सीरियसली। एक आध की देखी हो तो पता नहीं, बट हाँ मुनावर भाई से पता चलेगा स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है सीरियसली। फिर लॉकअप के बाद तो भाई बंदा छा ही गया, उसके बाद तो ठग लाइफ वगैरह अपन की वीडियो है ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दबा के कर दो, एंड मुनावर भाई के फैन हो तो दिल से लाइक जरूर करना, और आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा वो जरूर बताना। एक बुरके वाला बेस्ट था यार, मतलब बहुत ही बेस्ट थे यार, कौन कौन से बोलूँ मैं। एक केले वाला भी मस्त था, मतलब उन्होंने पूरी कहानी केले पर घुमा दी के लड़के, और एक लाइन वो बहुत अच्छी थी, लड़कियों में प्लान बनते हैं और लड़कों के तुरंत बनते हैं भाई नीचे अल्लाह। समझ गए होंगे कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें बिना मत जाना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपका कौन सा बेस्ट पार्ट था। ठीक है, मेरी तो पूरी ओवरऑल वीडियो टॉप थी, और मिलता है किसी नहीं बढ़ा मुझे तकलीफ। बाय।